हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कॉस्टिंग का पार्ट वन जो है, और अदर प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो इस लॉकडाउन का फुल यूटिलाइजेशन करें, और चैनल को फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें। नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए ऑल पे ज़रूर क्लिक करें, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे, अदरवाइज़ नहीं मिलेंगे, तो उसको ज़रूर प्रेस करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके बारे में मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। उस बेसिक कॉन्सेप्ट में कौन कौन सी चीज़ें वो भी बताऊँगा। ये इस टॉपिक में क्या क्या कवर करेंगे इस कॉस्टिंग के, सबसे पहले है मटेरियल कॉस्टिंग, सेपरेट वीडियो होगा तीनों का ही, लेबर कॉस्टिंग और ओवरहेड्स। इससे रिलेटेड जो भी फार्मूले होंगे वो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा क्या क्या फार्मूले यहाँ पर कवर किए जाते हैं, जो आपके एग्ज़ाम्स में भी आते हैं। बहुत से एग्ज़ाम में आपने दिया होगा तो ज़रूर देखा होगा, क्वेश्चंस आए होंगे मटेरियल कॉस्टिंग से, लेबर कॉस्टिंग से और ओवरहेड से। उसके फॉर्मूले भी आ जाते हैं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं। तो आज का टॉपिक है मटेरियल कॉस्टिंग, धीरे धीरे बात करेंगे इसके बाद लेबर एंड ओवरहेड्स, एक एक करके वीडियोज लाऊंगा, क्योंकि नहीं तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। सो आइए मटेरियल कॉस्टिंग में सबसे पहले फार्मूले की बात कर लेते हैं, कौन कौन से फार्मूले यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहला जो फार्मूला है जिस पे क्वेश्चंस भी आते ही हैं जनरली, इकोनॉमिक ऑर्डर ऑर्डर क्वांटिटी यानी EOQ। तो EOQ का फार्मूला आपको पता ही है, 2AO डिवाइडेड बाई C अंडर रूट में है, यानी एनुअल कंजम्पशन एक से हो गया। ये सब आपको पता होगा, बस आपको रिवाइज करवा रहा हूँ मैं यहाँ पे। और वो से ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया, सी से कैरिंग कॉस्ट हो गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, किसी भी PSU में एक दो क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट जो फार्मूला है ये टाइम ड्यूरेशन से रिलेटेड होता है, कि स्टॉक मेंटेन करना है, लेवल क्या होना चाहिए, उससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो री ऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, स्टॉक एवरेज स्टॉक लेवल, तो ये सारे फार्मूले जो है ना आपको याद होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे फार्मूला ही पूछा जाता है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बहुत कम चांसेस होते हैं आने के। तो आपको ये फार्मूले जो हैं मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये सारे फार्मूले याद होने चाहिए, कि मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाई मैक्सिमम री ऑर्डर पीरियड, यहाँ पे री ऑर्डर लेवल है, फिर मिनिमम का ये सारा फार्मूला है, उसके बाद मैक्सिमम स्टॉक, उसके बाद अब नेक्स्ट बात करें जो फार्मूला है डेंजर लेवल का। तो ये सारे फार्मूले आपको याद होना चाहिए, इसमें से मटेरियल कॉस्टिंग से फार्मूले आते हैं, EOQ से क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, वैल्यू ऑफ एवरेज स्टॉक हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द पीरियड। अब ये सारे फार्मूले आपको आपके बुक्स में मिल जाएंगे, CA CMA के कॉस्टिंग वाले बुक को उठाएंगे तो आप ये सारे फार्मूले मिल जाएंगे, आप को एक जगह अपने रख लेना है और याद करना है। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट प्लस परचेस, तो ये आपका टोटल इन्वेंट्री की कॉस्ट हो जाएगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट का क्या है, एनुअल कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड ऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डर जो भी होगा उसका। अब यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट, अब यहाँ पे देखिए ये मैंने सारे फॉर्मूले क्या इसमें यूज होते हैं लिया कर दिया है, लेकिन ज़्यादातर EOQ से क्वेश्चन आते हैं और आपका फार्मूला जो पूछ लिया जाता है लेवल वाले वो आ जाते हैं। ये बहुत रेयर ऑफ द रेयर किसी भी किसी एग्ज़ाम्स में आते हैं कि टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा या टोटल कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा। तो अगर आता है तो आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए, ताकि आप वहाँ पे करेक्ट आंसर पे टिक मार सकें। अब बात करते हैं यहाँ पे MCQs की। तो मटेरियल कॉस्टिंग से रिलेटेड MCQs ये सारे कुछ आपको इंटरमीडिएट लेवल पे एग्ज़ाम्स आप अगर दे रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको काम आ जाएंगे ये सारे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वैल्यूएशन बेस फॉर फिनिश गुड्स स्टॉक फॉर बैलेंस शीट वैल्यूएशन पर्पज। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन मार्जिन पर यूनिट, इसका करेक्ट आंसर सी है। उसके बाद बात करें यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की, अब परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम मे बी डिफाइंड एज, तो किस तरीके से डिफाइंड होता है, तो इस तरीके से आपके पास ऑब्जेक्टिव्स होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, द डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम विच रिकॉर्ड ऑल स्टोर्स ट्रांजेक्शन ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। तो स्टोर जो हम रखते हैं उस ट्रांजेक्शन का, उसके बेस पे यहाँ पे सिस्टम डिफाइन किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यूजुअली अपीयर इन ऑन अ GRN। सो गुड्स रिसीव नोट होता है GRN का फुल फॉर्म, तो
इसमें कौन सा चीज़ यूजुअली अपियर नहीं होता है, तो वो उसका करेक्ट आंसर है थर्ड का बी, प्राइस ऑफ गुड्स। गुड्स रिसीव नोट में प्राइस नहीं होता है गुड्स का, बाकी डेट रिसीव्ड होता है, क्वांटिटी होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स होता है। कई जगह इसको अगर नॉर्मल बात करें प्रोडक्शन कंपनी के अलावा, तो उसमें डिलीवरी चालान भी कहा जाता है जहाँ पे कि प्राइस नहीं होता है। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर फोर की, तो अब परचेस रिक्विजिशन इज रेज्ड। परचेस रिक्विजिशन क्यों रेज किया जाता है? टू इंटीमेट टू द सप्लायर व्हेन द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हैज़ फॉलन टू द रीऑर्डर लेवल, व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड फ्रॉम अ सप्लायर, और टू लेट द अकाउंट डिपार्टमेंट नो दैट एन इनवाइस शुड बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ सप्लायर। तो क्वेश्चन नंबर फोर का करेक्ट आंसर सी है, व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड फ्रॉम अ सप्लायर। परचेस रिक्विजिशन तभी रेज किया जाता है जब गुड्स रेस रिसीव्ड कर लिया जाता है सप्लायर द्वारा। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल। तो किसको करते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर है सी, लॉस ड्यू टू केयरलेस हैंडलिंग ऑफ मटेरियल। ये नॉर्मल लॉस को यहाँ पे लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करें, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इज, तो यहाँ पे मोस्ट एलिमेंट कॉस्ट का क्या होता है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। तो मोस्ट एलिमेंट यहाँ पे अगर बात करेंगे हम कॉस्टिंग का, तो सबसे ज़्यादा कॉस्ट में क्या लिया जाता है यहाँ पे, मटेरियल। मटेरियल की कॉस्ट जो होती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी कॉस्ट के लिए। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर हो गया ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन का, जहाँ पे है डायरेक्ट मटेरियल इज़ अ एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ऑल ऑफ द अबव, और यहाँ पे नन ऑफ दिस। सो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इसमें से कोई भी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। तो सेवन का यहाँ पे हो गया आंसर डी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट मटेरियल से रिलेटेड नहीं है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग ओवरहेड्स है, और ऑल ऑफ दिस तो होगा ही नहीं, क्योंकि जब यही दोनों नहीं है तो कहाँ से होगा। तो आंसर है नन ऑफ दिस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एट, तो क्वेश्चन नंबर एट की अगर बात करें, कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग इज अ पार्ट ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, परपेचुअल इन्वेंट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अकाउंटिंग रिकॉर्ड, किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे भी करेक्ट आंसर नाइन का है सी, स्टोर लेजर। क्वेश्चन नंबर टेन की बात करें, तो डायरेक्ट मटेरियल कैन बी डिफाइंड एज फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट। तो यहाँ पे किस करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, टेन का भी सी, मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड एज वेरिएबल कॉस्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, इन द मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 11 का डी, जैसा कि ऊपर भी मैंने बताया, इसी क्वेश्चन को उसने घुमा के थोड़ा सा पूछा, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट पूछा है तो मटेरियल ही होगा आपका, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट आएगी उसके बाद ही लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, ओवरहेड्स है तो सबसे ज़्यादा इसकी बात होगी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्राइसिंग कॉस्ट लैग बिहाइंड द करंट इकोनॉमिक वैल्यू, तो क्वेश्चन नंबर 12 की यहाँ पे बात करें, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, प्राइस मेथड जो होता है उसका यूटिलाइजेशन यहाँ पे किया जाता है। सो 12 का करेक्ट आंसर हो गया सी। 13 की बात करें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स यूज़ ऑफ मटेरियल आर प्राइस्ड एट प्री डिटरमाइंड रेट, तो किस वाले मेथड में प्री डिटरमाइंड किया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे डी, स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। तो ये इनके आंसर थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड स्मूथ्स आउट द इफेक्ट ऑफ फ्लक्चुएशंस ऑफ द मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएशन वाइडली, तो इसमें से कौन सा वो मेथड होता है, तो आपको इसका करेक्ट आंसर पता है तो टिक लगा देंगे, क्योंकि वेटेज एवरेज मेथड होता है, तो वेटेज एवरेज मेथड से हम स्मूथ इफेक्टिव ऑफ फ्लक्चुएशंस को यहाँ पे प्राइस कर सकते हैं। उसके बाद अंडर द FSN सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, फ्रीक्वेंसी ऑफ आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री यूज्ड।
तो इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे आपको, लेकिन मेन आपका फॉर्मूला जो ऊपर मैंने बताया उसको तो सबसे पहले आपको याद कर लेना है, उसके बाद ही ये सारे चीज़ों पे आना है। मटेरियल आर इशूड फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड ऑन होता है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है मटेरियल ट्रांसफ़र नोट। मटेरियल आर इशूड फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर, तो मटेरियल ट्रांसफ़र नोट से ही एक जगह से दूसरे प्रोसेस में, वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस वो जा सकता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। इफ़ द रॉ मटेरियल प्राइस आर सफरिंग फ्रॉम इन्फ्लेशन, याद रखिएगा सफरिंग फ्रॉम इन्फ्लेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक विल गिव द लोवेस्ट ग्रॉस प्रॉफिट, तो करेक्ट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पे है ए, लास्ट इन फर्स्ट आउट। विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ द फीफो मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन, यहाँ पर डिसएडवांटेज फीफो मेथड के स्टॉक वैल्यूएशन का क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर 18 का बी है। वन इशू मे बी स्प्लिट बिटवीन टू और मोर डिफरेंट डिलीवरीज ऑफ कॉस्टिंग पर्पज, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो री ऑर्डरिंग क्वान्टिटी मे बी मेजर्ड एज, कैसे मेजर उसको करेंगे हम, तो क्वेश्चन नंबर है इसका लीफो आंसर, लास्ट इन फर्स्ट आउट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स डॉक्यूमेंट्स इन अ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इज कंसीडर्ड टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द डिलीवरी ऑफ लैंड एक्यूरेट डिलीवरी ऑफ एंड एक्यूरेट रिकॉर्डिंग ऑफ द रिसीट ऑफ गुड्स, सो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर यहाँ पे गुड्स रिसीव नोट, अपने GRN जो ऊपर मैंने बताया तो उसका यूज़ यहाँ पे होता है। अब लास्ट पेज यानी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से 24 की। अ रिटन रिक्विजिट टू सप्लायर फॉर स्पेसिफाइड गुड्स एट एन एग्रीड अपॉन प्राइस इज कॉल्ड, तो 21 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए है, परचेस ऑर्डर। रिटन डॉक्यूमेंट पे एग्रीड प्राइस पे जो होता है उसको हम परचेस ऑर्डर कहते हैं। 20 नंबर है यहाँ पे, द टोटल ऑफ द मटेरियल सब्सिडरी लेजर इन्वेंट्री कार्ड्स मस्ट बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इन द फॉलोइंग अकाउंट्स, तो इसका करेक्ट आंसर 22 का है, मटेरियल इन्वेंट्री। उसके बाद यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की। अंडर द पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम द परचेस ऑफ मटेरियल इज रिकॉर्डेड एन अकाउंट एंट्री, तो इसका भी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो गया आपका सी है, बस दोनों ही क्वेश्चन को डिफरेंट वे में पूछा, यहाँ रिकॉर्डिंग की बात कर रहा है, वहाँ पे आपका अमाउंट की बात किया जा रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स मस्ट बी फिल्ड आउट व्हेन एन इन्वेंट्री इज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द मटेरियल इन्वेंट्री टू बी प्लेस्ड इनटू प्रोडक्शन, तो इसका भी करेक्ट आंसर यहाँ पे है रिसीविंग रिपोर्ट। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात मैंने ऊपर बताई आपको, सबसे पहले वो फार्मूले पता होने चाहिए EOQ के, मटेरियल लेवल्स के कौन कौन से लेवल पे कैसे कैलकुलेशन की जाती है, तो क्योंकि वो फार्मूले कई बार आए हुए हैं तो उस तरीके से आपको याद रखने हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक करें ज़रूर, इसको शेयर करें फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर से ज़रूर प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, कोई डाउट हो तो आप इस मेल आईडी पे अपना मेल कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे PKC नाव से सर्च कर सकते हैं मुझे, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, मेरा जो भी डिटेल वहाँ पे फॉरवर्ड करता हूँ आप सारा वहाँ से देख सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो थैंक यू फ्रेंड्स एंड स्टे सेफ, स्टे होम एंड स्टडी मोर।